और प्लस ट्रिक के साथ मैं आपको हमेशा के लिए याद भी कराने का प्रयास करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं ओवर टू मैप। तो बच्चों शुरू करते हैं, सबसे पहले देखते हैं पहले राज्य गुजरात की राजधानी। हम चलते हैं गुजरात में, और गुजरात में ये देख रहे हैं आप अहमदाबाद। अहमदाबाद के पास ही जस्ट नीचे आप आएंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे गांधीनगर। ये देखिए, ये है गांधीनगर, दिस इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ गुजरात। ठीक है, ये आपको मैप पे समझाने का प्रयास इसलिए है कि आप इसको याद कर पाएंगे। और देखिए गुजरात, गुजरात शुरू हो रहा है किस शब्द से, जी से, इस तरीके से, और गांधीनगर भी शुरू हो रहा है जी से। तो इस तरीके से आप इसको लिंक करके याद कर सकते हैं। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, मैंने आपको मैप में भी दिखाया है इसको। ये देखिए आप मैप में देखिए अहमदाबाद के जस्ट ऊपर। ठीक है, तो ये रहा अहमदाबाद की राजधानी, और सॉरी गुजरात की राजधानी गांधीनगर। अब दूसरा राज्य था अपना असम। अब हम चलते हैं असम में, तो ये देखिए ये अपना नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं और ये है असम। अब आप असम में अगर ढूंढने आए, ये असम दिख रहा है आपको बीचों बीच, असम में अगर आप ढूंढने आए कि असम की राजधानी कहाँ है, असम की राजधानी है दिसपुर। तो मैं आपको एक ट्रिक से याद कराऊंगा, ये रहा असम, और असम के जस्ट लेफ्ट में यहाँ लिखिए ये है गुवाहाटी। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये गुवाहाटी से जो ईस्ट में रास्ता जा रहा है, ये हमें दिशा दिखाता है। तो आसाम की जो कैपिटल हो जाएगी वो बन जाएगी दिसपुर। आशा और दिशा इस तरीके से याद रखिए। ये भी जी है गुवाहाटी, और गुवाहाटी के पास ही के इससे ये रास्ता आ रहा है इस तरफ दिसपुर के पास, ये की है गणेशगढ़ी। तो गणेशगढ़ी और गुवाहाटी का लिंक समझिए, और इनके पास में दिसपुर को समझिए। तो ये आसाम की आशा की दिशा दिसपुर हो जाएगी राजधानी, ये समझा आपने आसाम में। और अब चलते हैं तीसरे स्टेट पे, तीसरा था अपना तेलंगाना। ये है तेलंगाना, और तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद, ये देख पा रहे हैं हम। देखिए टिपू सुल्तान के पिताजी का नाम था हैदर अली, और उन्हीं के नाम पे इसका नाम रखा गया है हैदराबाद। और तेल लगाना यानी कि बॉडी में, अपने जब आप तेल लगाते हैं तो बॉडी आपकी हृष्ट पुरुष हो जाती है, मजबूत हो जाती है। और हैदर से याद रखिए कि हैदर अली बहुत मजबूत थे, हृष्ट पुरुष थे। और इस तरीके से आप इसको लिंक कर सकते हैं कि तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। तो आपने देखा तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। अब हम देखते हैं हमारा चौथा स्टेट था तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी है यहाँ पे देखिए चेन्नई। आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो यहाँ से तमिलनाडु से टी और ए उठाइए, टी ई होता है वैसे, टी ए मान के चलिए लिंक करने के लिए। और यहाँ से चेन्नई का सी एच उठाइए, और टेक, टेक से याद हो जाएगा तमिलनाडु, और सी एच से याद हो जाएगा चेन्नई। तो इस तरीके से आप इसको लिंक करके याद रख सकते हैं। अपना पांचवा राज्य था अरुणाचल प्रदेश, एपी। अरुणाचल प्रदेश, ये रहा अरुणाचल प्रदेश, देख पा रहे हैं आप। और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। देखिए अरुण का प्रदेश मतलब अरुण का घर, और अरुण का घर है तो किस चीज़ का होगा, ऑफ कोर्स ईंट का ही होगा। तो यहाँ आ जाइए आप, ये है, ये देखिए ये गोपुर है। गोपुर से जब ऊपर की तरफ जाएंगे आप, ये जो सीधा रास्ता जा रहा है यहाँ से देखिए, ये आपको लेके जाता है ईटानगर पे। तो आपने देखा कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर यहाँ पे है। अब नेक्स्ट देखेंगे हम, और अब देखते हैं हम अपने छठे राज्य उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। ये देखिए ये है लखनऊ, ये लगभग बीचों बीच है, ये आगरा एक्सप्रेस वे जो आ रही है यहाँ पे, उसके किनारे पे है, गोमती नदी के किनारे है लखनऊ। ये देखिए ये जो नदी है ये गोमती नदी है। तो इस तरीके से आपने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को देखा। और अब हम नेक्स्ट देखेंगे अपने सातवें राज्य महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, महाराष्ट्र है। और यहाँ पे तट पे, ईस्ट कोस्ट पे,
ये देखिए यहाँ पे है थाल घाट, थाल घाट के पास मुंबई। तो ये आपने सभी राज्यों की और उनकी राजधानियों को मैप पे समझा। सबसे पहले आपने देखा गुजरात, गुजरात की राजधानी ईटानगर ये है अहमदाबाद के पास, ये देखिए ये सॉरी गुजरात की राजधानी गांधीनगर ये, और जी, दोनों याद रखिए, गुजरात और गांधीनगर। इसके बाद हमने देखा दूसरा आपने असम में, तो असम में हमने देखा कौन सा, दिसपुर। दिसपुर कहाँ है, गुवाहाटी से एक दिशा दिखा रहा है ये दिशा, ये देखिए आप दोबारा दिशा समझाता हूँ आपको, गुवाहाटी से जो ये दिशा जा रही है ये वाली, ये इस तरफ ऐसे आप देख पाएंगे, ये देखिए ये गुवाहाटी से जो ये दिशा आ रही है ये आपको ले जाती है दिसपुर पे। तो ये आपने देखा आसाम की राजधानी दिसपुर, छोटा सा एक ब्यूटीफुल सिटी है। उसके बाद तीसरा था अपना तेलंगाना, और तेलंगाना की हैदराबाद, ये इजीली याद रहता है, सबको याद ही रहता है ये तेलंगाना, और ये बीचों बीच हैदराबाद दिख रहा है आपको। इसके बाद चौथा था अपना तमिलनाडु, तमिलनाडु की भी जो राजधानी है टेक, ये चेन्नई, ये टेक सिटी के नाम से भी मशहूर है, ये एक अच्छा टेक्नोलॉजिकल सिटी है। तमिलनाडु का चेन्नई देखा आपने। पांचवा था हमारा एपी यानी कि अरुणाचल प्रदेश, तो पांचवे पे आ जाइए अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ, अरुण कहाँ रहेगा, घर में। अरुण का प्रदेश क्या होगा, घर ईटा का होगा, तो इसलिए आपको याद रखिए। ये देखिए गोपुर है, गोपुर से ऊपर आप सीधा आएंगे तो आपको ये दिखेगा, ये रहा ईटानगर ये। तो इस तरीके से आपने इसको याद किया। छठा है अपना उत्तर प्रदेश, फेमस सिटी लखनऊ, आ जाइए ये रहा लखनऊ ये, मुंबई आपको पता ही है, ये रहा महाराष्ट्र में। तो हमने मैप पे समझ लिया है इन सातों राज्यों के स्टेट्स के राजधानियों को, और यहाँ इस पेपर पे भी मैं आपको एक ट्रिक से समझाने का प्रयास करता हूँ। जो अपने सेवन स्टेट्स हैं उसमें पहला है गुजरात, और गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। तो इस तरीके से जी को जी से लिंक कर लीजिए, गुजरात की गांधीनगर आप याद रख पाएंगे। उसके बाद देखते हैं दूसरा राज्य है अपना, दूसरा था असम, और असम का याद रखिए, देखिए जब आप असम में जाते हैं तो आपको गुवाहाटी दिखता है, और गुवाहाटी से एक दिशा जाती है इस तरीके से रोड, जो आपको कहाँ ले जाती है, दिसपुर पे। तो असम की राजधानी हो गई दिसपुर, दिशा से दिसपुर याद रखिए। अगला देखते हैं, तीसरा राज्य था अपना तेलंगाना, और तेलंगाना का आप याद रखिए टी टीपू सुल्तान से लिंक कीजिए, हैदर अली को, उनके पिता थे, और तेलंगाना से फिर आप हैदर अली तेल आप बॉडी में लगाते हैं तो मजबूत बन जाते हैं, और फिर इस तरीके से हैदर अली भी मजबूत थे, और कोई भी व्यक्ति अपने बॉडी में अगर तेल लगाता है तो मजबूती आती है। तो इस तरीके से आप ये सिर्फ याद करने के लिए ट्रिक है, समझाने के लिए आपके दिमाग में उतर जाए इसके लिए एक प्रयास है। नेक्स्ट देखते हैं अपना है, नेक्स्ट है टेक, टेक से याद रखिए, वैसे तो टेक में टी ए होगा लेकिन यहाँ पे आप टेक से याद रखिए टी और सी एच, टी ए ए लगा लीजिए यहाँ पे, तमिलनाडु और सी एच से चेन्नई। ये आपने मैप पे देखा है, कोस्टल सिटी है कोने पे। और फिर अगला देखते हैं, पांचवा है अपना एपी, एपी मतलब आंध्र प्रदेश, और एपी मतलब अरुणाचल प्रदेश, और अरुण का प्रदेश मतलब अरुण का घर, और अरुण का घर है तो कैसे होगा, कहाँ होगा, वो ऑफकोर्स ईटा का होगा, घर तो ईंटे का ही बनता है, तो इस तरीके से आप ईटानगर करके याद रख सकते हैं। उसका छठा था अपना लखनऊ, उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश की वर्ल्ड फेमस है लखनऊ, ये इजीली याद रहता ही है जनरली। अगला देखते हैं महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र से ये भी एम से है और ये भी एम से है, मुंबई कोस्टल सिटी, फेमस सिटी, फिल्म सिटी, बॉलीवुड जो कहें आप, इस तरीके से आप इसको याद रख पाते हैं, ईजिली याद रहता है, ठीक है। तो ओवरऑल ये मेरा एक प्रयास है बच्चों, सिर्फ पेपर ही नहीं भरना है, दिमाग भी भरना है,
हम जो पढ़ रहे हैं उसको इलोवेटरी में पढ़ेंगे, समझ कर पढ़ेंगे, जिससे कि ये हमें आसानी से याद हो जाए। मैं आगे एक प्रयास करूँगा, ये जो नॉर्थ ईस्टर्न सारे स्टेट्स हैं अपने, 7 स्टेट्स 8 स्टेट्स, जैसे सिक्किम का गंगटोक, मणिपुर का इम्फाल और असम का दिसपुर याद कर लिया हमने, अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर, मिजोरम की इम्फाल, इम्फाल अपनी मणिपुर की हो गई, और इस तरीके से हम इन सभी 7 स्टेट्स के राजधानियों को याद करेंगे और हमेशा के लिए याद करेंगे। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। आप इन इस होमवर्क को अच्छे से कर लें, टाइमली कर लें, ग्रुप में भेज दें फ़ोटो खींच कर, और आगे ऐसे ही पढ़ते रहेंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हैव ए नाइस डे। थैंक्स गाइज।